हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो का मैंने बहुत इंतज़ार किया और मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत इंतज़ार किया है। फाइनली 8-9 महीने लगे इस पूरे एरिया को रेनोवेट होने में और फाइनली मुझे मेरा रूम मिल गया। लाइक आफ्टर 25 ईयर्स मुझे मेरा रूम मिलता है, पर्सनल रूम, पर्सनल वॉशरूम, पर्सनल पूरा वार्डरोब एरिया, एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी लाइक इतना इमेजिन और डिमांड या ड्रीम भी कुछ नहीं किया था कि ऐसा कभी मेरा, सॉरी गला ख़राब है, ऐसा कभी मेरा रूम होगा। होता है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि लाइक ड्रीम रूम, मैं इसको स्नैपचैट की स्टोरीज में बोल रही थी लाइक माई ड्रीम रूम, लेकिन मैंने कभी ऐसा ड्रीम भी नहीं किया था कि मेरा रूम ऐसा होगा। लाइक कई बार ऐसा होता है ना, आप जो चीज़ ना भी मांगो ना भगवान से, और भगवान कई बार आपको वो खुद ही दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है और आई एम लिटरली फीलिंग सो ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी मैं इस एरिया में आती हूँ कि लाइक मैंने खुद को ये चीज़ गिफ्ट की है, और ये सब आप लोग की वजह से हुआ है, आप लोग के सपोर्ट और आप लोग के प्यार की वजह से हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और पता नहीं मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ। और ये बोलना चाहूँगी, दिस वीडियो इज़ वर्थ वेट टू वॉच। ऑब्वियसली वर्थ वेट टू वॉच है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्यारा सा एक गिव अवे करना चाहूँगी। तो मैं दिखाती हूँ मैं आपको क्या गिव अवे करूँगी इस वीडियो के थ्रू। सो ये वर्थ वेट टू वॉच है, इसलिए मैं आपको एक स्मार्ट वॉच बोट की ये मैं गिव अवे करूँगी। इसके साथ साथ दो एयरपॉड्स हैं बोट के, वो भी मैं गिव अवे करूँगी। इस वीडियो में 3 विनर्स होंगे। फर्स्ट विनर को मिलेगा बोट की स्मार्ट वॉच, सेकेंड और थर्ड विनर को मिलेंगे एयरपॉड्स। इसके साथ मैं सरप्राइज गिफ्ट्स भी आपको भेजूंगी, लाइक जो मेरे हैंडमेड होंगे, तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा। वो मैं दिखाऊंगी नहीं वो होगा क्या, लेकिन इतनी मैं श्योर और गारंटी देती हूँ कि वो मेरे हैंडमेड गिफ्ट्स होंगे। सो आपको करना क्या है, बस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे बारे में आप जो भी जानते हो, जितना भी जानते हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है मेरे बारे में, तो आपको 3 से 5 एटलीस्ट इतने कमेंट करने हैं। सारे कमेंट्स देखूंगी, सब कुछ चेक करूंगी। जिसका कमेंट मुझे बहुत अच्छा, बहुत जेन्युइन लगेगा, बहुत प्रेजिंग लगेगा, तो फिर मैं उसको सेलेक्ट करूंगी। और आपको एक और चीज़ करनी है, अपना जब आप कमेंट करोगे तो उसमें आप अपनी इंस्टाग्राम की आईडी ज़रूर मेंशन करना, जिससे मैं वहाँ आप उसके थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकूं। और इस वीडियो का, इस मतलब इस गिव अवे का विनर भी मैं बहुत जल्दी ही लाइव करूंगी, जब इस वीडियो में लाइक 15K कमेंट्स हो जाएंगे। तो 15K कमेंट्स के बाद मैं सेलेक्ट करूंगी अपना विनर, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गिव अवे विनर्स बताऊंगी कि कौन है। तो ये तो थी एक शुभ स्टार्टिंग मेरी इस वीडियो की, एक गिव अवे के थ्रू। और तो चलते हैं, मैं वो अपना रूम दिखाती हूँ। वेलकम टू माय रूम। ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो ये है मेरा पिंक रूम, मेरा रूम का कलर पिंक है। लाइक मेरे रूम का कलर, मुझे पिंक कलर नहीं पसंद है, बचपन से भी मैं ये नहीं करती थी पिंक पिंक पिंक, लेकिन ये खुद ब खुद पिंक हुआ। लाइक जो मेरी इंटीरियर डिज़ाइनर थी, जिनसे मैंने डिज़ाइन करवाया, तो उनसे मैंने ये बोला था कि मेरे को ना ब्लैक चाहिए, ना ग्रे चाहिए, ना मुझे वो वुडन टेक्सचर में जो होता है ना प्रॉपर ब्राउन कलर, वो चाहिए। तो वो कहती है लेट्स गो विद वाइट एंड सम पीच। मैंने कहा करेक्ट, ये पिंक भी नहीं है, पीच है। ये पिंक अभी इससे लग रहा है क्योंकि ऊपर पिंक लाइट्स जल रही, तो ज़्यादा पिंक पिंक कलर दिखा रहे हैं, लेकिन ये वाइट एंड पीच मेरे रूम की थीम है। इस रूम में आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हरिद्वार हूँ ही नहीं, और मैं अपने घर तो हूँ ही नहीं, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं मुझे। तो चलो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ अपने रूम के बारे में। तो ये है मेरा बेड, बेड का कलर भी मैंने पीच, बेड का कलर ऑब्वियसली पीच है। और अभी मैंने दो इसमें पिलोज और कुशन रखे हैं, वरना इसमें एक सिंगल पिलो होता है, वो बस मेरे लिए क्योंकि मैं ऊपर अकेले सोती हूँ। तो और ग्रे मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने अभी बेडशीट ग्रे लगाई हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वॉलपेपर, ये वॉलपेपर भी कस्टमाइज वॉलपेपर है। मुझे लगता है मेरी पूरी रूम की वाइब इस वॉलपेपर से ही है, इतना अच्छा लगता है ना मुझे वॉलपेपर, डिसेंट वॉलपेपर। और अभी आपको बहुत ज़्यादा लाइट्स लग रही होंगी मेरे रूम में, शायद आज ये फर्स्ट डे है कि मैंने इतनी सारी लाइट्स ऑन की हुई है, वरना मैं इतनी लाइट्स नहीं ऑन करती। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लाइट्स ऑन रहती हैं ये और सबसे पहले जब ये पिंक लाइट बंद हो जाती है तो इसकी ये फील आती है,
बटरफ्लाइज भी मैं ऑफ कर देती हूँ। ये बटरफ्लाइज मेरी फेवरेट है और इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी। ये भी लाइट मैं बंद कर देती हूँ, यहाँ से बंद करती हूँ। वो मैं बस इतनी लाइट जला के रखती हूँ। देखो क्या वॉर्म वाली लाइट्स की इसकी वाइब है, ठीक है। इसके साथ अब मैं बटरफ्लाई ऑन करती हूँ, तो मेरे पास बटरफ्लाई में भी तीन कलर के ऑप्शन होते हैं, कूल वॉर्म सॉफ्ट वॉर्म। तो मैं वॉर्म जला के रखती हूँ, लाइक इतनी मेरी रूम की वाइब रहती है। और अगर थोड़ा पिंकिश पिंकिश चाहिए तो पिंकी पिंकी हो गया। तो ये तो था मेरे थोड़ी बहुत रूम की लाइट्स के बारे में, ठीक है। और इस रूम में मेरे पास है एक वार्डरोब इधर, ठीक है। फिर इधर भी मेरे पास है कुछ स्टोरेज रखने के लिए। ड्रेसिंग एरिया मेरा अलग है, लेकिन ये बस इस मेरे रूम की ब्यूटी में चार चांद लगाता है ये कॉर्नर। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बैठ के इस साइड सोती हूँ, और इसके साइड में जो लाइक ये बॉक्सेस होते हैं, मैंने बॉक्सेस नहीं, मैंने टेबल बनवाया है। मेरे को थोड़े बारबी वाइब्स आते हैं ये वाइट कलर का, ये अपना रूम में फर्नीचर और सब कुछ देखकर। बचपन में मेरे पास जो बारबी डॉल वाला सेट था उसमें सब कुछ वाइट वाइट था, तो यहाँ लाइक मेरी बेसिक सामान रहता है। बेसिक सामान बोले तो लाइक एक बेसिक हैंड क्रीम, मेरे स्पेक्स और नाइट क्रीम, आई क्रीम, लिप बाम, मतलब बेसिक सा सामान रहता है जो मुझे रात में कभी ज़रूरत होती है उस चीज़ की लिए, मतलब नाइट केयर रूटीन की। अपने से ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करती हूँ। तो इस ड्रॉअर में मैंने थोड़ा बहुत अभी सामान रखना शुरू करा है। उधर वाली ड्रॉअर तो बिल्कुल खाली रहती है, कुछ नहीं रहता उसमें। अब बात की जाती है इस रूम में क्या क्या और है। तो इस साइड मेरी एक अलमीरा है, एक बाकी जो मेरी अलमीराज है वो अलग है। पूरे वार्डरोब रूम्स है मेरे, वॉकिंग वार्डरोब्स है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें मैंने अभी क्या रखा हुआ है, मेरे कुछ ऊपर जिम क्लोथ्स हैं इसमें। इस वाली ड्रॉअर में भी मेरे कुछ जिम आउटफिट्स वगैरह हैं, और इस वाली ड्रॉअर में मेरे बेसिक टी शर्ट्स वगैरह हैं, जो भी कुछ मेरी बेसिक टी शर्ट्स होती हैं। नीचे वाला ड्रॉअर खाली है। और अगर बात की जाए इस वाले की, तो इसमें मैंने अभी कुछ रख नहीं रखा है, खाली है। फिर यहाँ से जो रास्ता आता है वो आता है मेरे वॉकिंग वार्डरोब का, जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। वो पूरी सेट हो जाएगी तो वो भी बहुत सुपर ऑसम है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये वाला मैंने बनवाया अपने हैंडबैग्स के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सी, यहाँ मैं अपने हैंडबैग्स रख रही हूँ सारे। अभी तो इसमें से मुझे काफ़ी कुछ हटाने हैं, काफ़ी कुछ अच्छे जो नीचे रखे हैं, इधर उधर रखे हैं, वो रखने हैं। तो हाल फिलहाल अभी वाले हैंडबैग्स मैंने सारे इसमें रखे हुए हैं। ये वाला काउंटर मेरा फेवरेट काउंटर है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें भी आनी है जो नहीं आई हैं। यहाँ वॉल के लिए एक बहुत सुंदर नियॉन साइन आना है जो भी नहीं आया, सब कुछ ऑर्डर हुआ हुआ है। लेकिन जितनी भी ये प्रिटी चीज़ें हैं ये सारी मेरी फेवरेट है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्टिव पीस यहाँ लगाए हैं और मुझे ये कॉर्नर बहुत प्यारा लगता है। इसमें मैंने बहुत अभी बेसिक सामान रखा है। फर्स्ट डोर में मेरे गैजेट्स एंड ऑल है, जो भी कुछ मेरे गैजेट्स, डायरी एंड ऑल, ये सभी मैंने रखा हुआ है। सेकेंड डोर बिल्कुल खाली है। थर्ड फ्लोर में मेरा स्पेशल सामान रखा है, जो आप लोग को शायद ना पता हो कि मैं बहुत ज़्यादा चटरी आइटम की दीवानी हूँ। रात में मुझे भूख लगती है, छुपा के रखा है और मुझे खाना होता है, तो मैंने सब कुछ यहाँ रखा है कि रात में मुझे खाने को मिल जाए, मुझे नीचे ना जाना पड़े। तो ये लाइक मेरा चटरी वाला स्टोरेज है। और फिर हम आते हैं इस तरफ की, इस तरफ ये बहुत प्रिटी, इस पर हमने वो लगवाई है चारकोल शीट, और यहाँ पर एक LED आना है जो भी नहीं है। और मैं TV भी बहुत कम देखती हूँ, तो शायद मैं लगवाऊँ भी ना उसको। और ये एक काउंटर है, इसमें मैंने लगाया अपने एक जी अल्फाबेट और ये दोनों शोपीस। इसमें मैंने कैटल ली है, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गर्म पानी की। तो आजकल मेरा गला भी बहुत ख़राब है, तो मैं सुबह शाम रात गर्म पानी पी रही हूँ, तो कैटल फॉर वार्म हॉट वाटर। और फर्स्ट डोर देखा जाए तो ऑलमोस्ट खाली, कुछ नहीं रखा उसमें, स्पीकर है। सेकंड डोर देखा जाए तो उसमें मैंने रखा है कि ये बॉक्स, ड्राई फ्रूट बॉक्स, कि अगर मेरे मुझसे मिलने कोई मेरे गेस्ट या मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मैं उनको ये सर्व कर पाऊँ। वैसे अब तक कोई आया नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही भर के रखा है। प्लीज़ कोई आ जाना, मैं आपको ये सर्व कर पाऊँ। अगर मेरे कोई फ्रेंड्स देख रहे हैं तो मजाक तो मेरा बहुत उड़ा है, मुझे पता है। उसके बाद ये मैंने दो लिए थे स्टूल काइंड ऑफ, ये मुझे बहुत प्रिटी लग रहे थे और इनका पूरा कलर मेरे रूम से मैच हो रहा था, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। लाइक आप इस पर बैठ भी सकते हो, काइंड ऑफ बीन बैग का भी काम करते हैं, बीन बैग्स ही हैं लेकिन इनका ये राउंड शेप के हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे ये। फिर ये मैचिंग कर्टन्स, इनके लिए मैं बहुत भटकी थी, ठीक है। मेरे रूम के पूरी मैचिंग, सब कुछ पूरा मैचिंग है। फिर हम आते हैं मेरे फेवरेट कॉर्नर की तरफ। ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर, और इस कॉर्नर को मैं पूरा बारबी कॉर्नर भी बोलती हूँ, क्योंकि
इसकी पूरी वाइब्स ही वैसी हैं। आप एक बार चेयर देखो, इस मिरर को देखो, ये टेबल देखो, मैं आपको चेयर का फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगी। सी, और ये मेरा कोई ड्रेसिंग एरिया नहीं है, और ये बस इस रूम की ब्यूटी के लिए। फिर बात की जाए इधर वाले बॉक्स, तो यहाँ पे मैंने बहुत क्यूट सा लैम्प लगाया है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने कहा था इस, ये मेरे रूम के पूरी वाइब से मैच कर रहा है। मैं आपको इसको ऑन करके दिखाती हूँ। सी, इसका एक स्विच भी है, अच्छा तो डायरेक्ट ऑन हो गया है ना, कितना क्यूट सा, मुझे बहुत क्यूट लगा था। और देखा जाए इस ड्रॉर में तो, हाँ वैसे तो खाली ड्रॉर खाली नहीं है, इसमें एक बुक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ती हूँ। मैंने नाजवा करके एक ऑथर है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, उनके पोस्ट पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दिखे थे, मैंने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करा बहुत पहले से, फिर मैं उनके पोस्ट से कनेक्ट करती थी इतना उनको ज़्यादा, तब मैंने उनकी बुक्स बाय करना स्टार्ट किया था। तो मैंने सबसे पहले उनकी एक नेक्टर ऑफ पेन एक बुक है उनकी, वो मैंने बाय की थी। स्पार्क्स ऑफ फोनिक्स सेकंड बुक मैंने वो बाय की थी। फिर मैंने एक वेलकम होम, ये भी इनकी बाय की है। मैंने अभी इसको पढ़ना जस्ट स्टार्ट ही करा है, मैं रोज़ तो नहीं पढ़ती, लेकिन जब मेरा मन करता है, जब मैं लो फील कर रही होती हूँ या जब मुझे शांति चाहिए होती है, तब मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन और मैंने आज तक कोई और बुक रीड नहीं की, मैंने बस इन्हीं की बुक्स पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लाइक आप बुक रीडर हो, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आप जा देख सकते हो ये बुक, लाइक मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मुझे बुक पढ़नी चाहिए तो और कौन सी पढ़नी चाहिए, आप कमेंट्स मुझे बता सकते हो, तो मैं वो भी स्टार्ट करूँगी पढ़ना। तो मैं भूल गई थी कि यहाँ पे ये रखी है। सो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको बता दिया है अपने रूम के बारे में, कुछ रह गया हो तो कुछ हो गया है, और लेट भी बहुत हो गया, मैं बहुत लेट शूट कर रही हूँ। स्नैप पे मैंने स्टोरी भी डाल दी थी, लोग कनेक्ट कर सकते हैं मैं कितना लेट शूट कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर माय रूम, ठीक है। तो यही था मेरा पूरा रूम, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और गिव अवे के लिए प्लीज़ पार्टिसिपेट ज़रूर करना, ठीक है। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, मैं ब्लॉग ये बहुत दिल से बना रही हूँ, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इस ब्लॉग का वेट था, आप लोग भी बहुत दिल से बहुत चाव से ब्लॉग देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच ये ब्लॉग पूरा देखने के लिए, एंड गिव अवे के सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। प्लीज़ अपनी आईडी मेंशन ज़रूर करना, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपनी जीमेल आईडी, अपना सब कुछ मेंशन ज़रूर करना, जिससे मैं आप तक रीच आउट ज़रूर कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून, काफ़ी सारे मेरे रूम के व्लॉग, माय स्टूडियो व्लॉग, माय वार्डरोब व्लॉग एंड माय वॉशरूम व्लॉग, ये भी मैं लाइव करूँगी, और इन सब में मैं कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे गिव अवे ज़रूर रखूँगी आप सबके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि रात हो रही है, मैं सोऊंगी अब।